नमस्कार, मैं एक और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। आइए नजर डालते हैं राजधानी की बड़ी खबरों पे। हमारे संवाददाता की नमस्कार, मेरा नाम अनिल शर्मा है और मैं बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा का संरक्षक हूँ। मेरे बगल में श्री कन्हैया जी बैठे हैं जो बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के सक्रिय सदस्य हैं। उसके बगल में श्री भरत अवस्थी जी बैठे हैं और इधर जो है श्री जी। ये हम लोगों की टीम इसलिए लखनऊ में इसलिए प्रेस वार्ता आज करनी गई कि प्रधानमंत्री का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है हर घर में नल से स्वच्छ जल, और ये मुख्यमंत्री का भी ड्रीम प्रोजेक्ट है जो 9,000 करोड़ का है। तो उत्तर प्रदेश में जो जल निगम है, ये जल निगम के जो अधिकारी हैं इसमें मानकों के विपरीत ऐसी कंपनियों को जो जाँच में फेल हो चुकी है उनको फिर से आमंत्रित करके और उनको काम दे रहे हैं। इसका दुष्परिणाम ये होगा कि जो दूषित जल और जो सामग्री इस्तेमाल होगी, जैसे खराब पाइप है या अन्य सामग्री, तो वो बार बार खराब होगी। पिछले दिनों बुंदेलखंड में जो ये बुंदेलखंड पैकेज में 1,000 करोड़ 10 लाख रुपए जो इन्वेस्ट हुआ उसमें खराब पाइप लाइनों के कारण आज भी बुंदेलखंड में 2010 में जो शुरू हुआ था वो आज भी उस तरह से पानी लोगों को स्वच्छ जल नहीं मिल पा रहा। इसके अलावा और तमाम तरह की बीमारियां लोगों को हो रही है। यही चीज आगे चल के ना हो, क्योंकि जानबूझ करके जो पॉलिसी बनाई है जल निगम ने उसको ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जल निगम के खत्म करके और उन्हीं कंपनियों को आमंत्रित कर रहे हैं, या एक ही कंपनी को, जैसे आप लोग जानते हैं 2-3 कोटेशन लेकर के अलग अलग उन्हीं को फायदा पहुंचाने के लिए अपनी मिली जगत करके कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा घोटाला है, इसलिए जरूरत पड़ी कि हम लोग यहाँ पर वार्ता करके इस बात को। हमारा संगठन बुंदेलखंड के निर्माण के लिए विश्व स्तर पर अवैध खनन और धरना संबंधित तमाम तरह के ज्ञापन वगैरह दिया करता है, लेकिन हमारा लखनऊ में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित करने का एकमात्र उद्देश्य उत्तर प्रदेश में जल निगम द्वारा जो अपने ही पॉलिसी को अपने ही नियमों में लगातार रातों रात बदलाव करके ऐसी कंपनियों को, ऐसे प्रमोटर्स को प्रमोट किया जा रहा है जो वास्तव में बहुत सारी ऐसी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं जो हमारे घरों तक नहीं पहुंच पाती, जिनका हकदार हमारे समाज का हर वर्ग है। एक्चुअली बात यह हुई कि हम लोग पिछले दिनों स्वच्छ पेयजल पर रिसर्च कर रहे थे, तभी हमारे दिमाग में, हमारे नजर के सामने एक ऐसी बात आई जो वास्तव में हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ज्यादा ही दुष्कारक होगी, हानिकारक होगी। समस्या ये आई, यूपी जल निगम ने एक पॉलिसी बनाई थी, वो जो हर घर नल से स्वच्छ जल योजना है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की, तो उन्होंने पॉलिसी बनाई थी कि इसका निरीक्षण किन कंपनियों से सामग्री खरीदी जाए, किन कंपनियों, किन लोगों को इसमें, इनके क्रियान्वयन में रखा जाए। तो उन्होंने योजना बनाई कि इनका निरीक्षण मेसर्स क्राउन एजेंट इंडिया द्वारा किया जाएगा। क्राउन एजेंट इंडिया जो है ये विश्व स्तरीय संस्था है और ये मेनली जीआई पाइप जो डाले जाते हैं, पाइपलाइंस जो बिछाई जाती हैं, तो जो पाइप प्रयोग किए जाते हैं उन पाइपों की गुणवत्ता और उनके सुरक्षा मानकों का जांच करता है। इन्होंने एक रश्मि मेटेलिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हुआ करती है, उस कंपनी को मेसर्स क्राउन एजेंट इंडिया ने फेल कर दिया। निरीक्षण किया, निरीक्षण में ये पाया कि वो कंपनी सी ग्रेड में आती है, सी ग्रेड में उसको 54 अंक मिलते हैं, जबकि मेसर्स क्राउन एजेंट इंडिया ने गुणवत्ता में पास होने के लिए 60 नंबर निर्धारित किए थे। जब रश्मि मेटेलिक फेल हो जाती है तो मेसर्स क्राउन की तरफ से ये कह दिया जाता है कि आप इस कंपनी के बने हुए प्रोडक्ट को नहीं खरीदेंगे। उसके बाद जल निगम ने अपने ही लेटर में उस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है भाई, हम नहीं खरीदते हैं। कुछ दिन बाद
जो जल निगम की एक पॉलिसी हुआ करती थी कि किसी भी कंपनी का इंस्पेक्शन निरीक्षण केवल एक बार किया जाएगा, दोबारा वो कंपनी निरीक्षण के लायक नहीं रहेगी, वो हमारी पॉलिसी में शामिल होने लायक नहीं रहेगी। अचानक उत्तर प्रदेश जल निगम के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कुछ मेंबर्स हैं, वो अपने पर्सनल लाभ के लिए उन्होंने इस तरह की कंपनी को दोबारा री इंस्पेक्शन का मौका दे दिया। अब मेरी लड़ाई केवल इस बात से है कि जो कंपनी मध्य प्रदेश में ब्लैक लिस्टेड है, जो कंपनी उड़ीसा में ब्लैक लिस्टेड है, जो कंपनी झारखंड में ब्लैक लिस्टेड है, जो कंपनी जम्मू कश्मीर में ब्लैक लिस्टेड है, जिस कंपनी के अधिकारी DRI द्वारा अरेस्ट किए जा चुके हैं, जो कंपनी भारत सरकार की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा आर्थिक मामलों का न्यायालय में सामना कर रही है, उस कंपनी को ही आखिर इस तरह की सामग्री आपूर्ति करने का मौका क्यों दिया गया? दिया गया कोई बात नहीं, लेकिन उस कंपनी के लिए उत्तर प्रदेश जल निगम के अधिकारी रातों रात अपनी पॉलिसी अपने नियमों में बदलाव क्यों कर रहे हैं? मेन क्वेश्चन हमने रेज किया और आप लोगों के समक्ष इस बात को रखा कि आखिर ये किस तरह का विषय है कि हमें अपने आदमी को फायदा पहुंचाने के लिए हमारी आने वाली पीढ़ियों से आप खेलेंगे। कम गुणवत्ता के पाइपों से हमारे घरों तक पानी सप्लाई होगा। मान लीजिए पाइप लीकेज का जो टेन्योर है वो 10 साल है और इस कंपनी का गुणवत्ता खराब होने की वजह से 3 साल में लीकेज होता है, तो चूंकि छोटा लीकेज होगा पता नहीं चलेगा, काफी दिनों तक हमें संक्रमित पानी हमारे घर तक पहुंचता रहेगा, हमारे बच्चे उसका प्रयोग करेंगे, हम उसका यूज करेंगे, डिफरेंट टाइप्स की हमारे डिजीज सामने आएंगी। मान लीजिए डिजीज का सामना प्राइवेट इंडिविजुअल आदमी करता है, फिर भी समाज लेवल पे इससे कितना ज्यादा नुकसान होगा इस बात की कल्पना नहीं की जा सकती। एक जल निगम के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की एक गलती की वजह से हमारी हर तीसरे महीने सड़कें खुद जाती हैं। सड़कों के खुदने से रोड एक्सीडेंट की कितनी घटनाएं बढ़ती हैं, जाम का सफर करना पड़ता है, उसकी वजह से तमाम लोग एम्बुलेंस पे फंसे रहते हैं, तमाम पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो एम्बुलेंस में ही दम तोड़ देते हैं केवल रोड खराब होने की वजह से, जो जाम में फंसते हैं। इसके आंकड़े आप लोग अगर नेट से चाहेंगे तो सर्च कर लेंगे, आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। दूसरी समस्या आने वाली है कि प्रदूषण कितना घातक होता चला जा रहा है। हमारे घर में हमारे माँ बाप हैं, हमारे भाई बहन हैं, जो तमाम तरह की कहीं ना कहीं छोटी छोटी स्नोफीलिया वगैरह बीमारियों से ग्रसित रहते हैं। कितना इफेक्टिव होगा, कितना दुष्प्रभाव डालेगा ये प्रदूषण जो आए दिन रोडों पर खुदने की वजह से होता है, इसकी शायद हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सरकार को हमारे टैक्स के पैसे से हम आज 2 रुपए का पार्ले जी बिस्किट खरीदने जाते हैं, उससे भी हमें टैक्स देना है। मेरे बच्चों को जो बिस्किट खाना है सुबह नाश्ते में, हफ्ते में एक दिन नसीब होना, उस पर भी मुझे टैक्स देना है। लेकिन सरकार के जो इस तरह के अधिकारी बैठे हुए हैं, सरकार की पॉलिसी जिनके द्वारा ऑपरेट की जाती है, वो अधिकारी कितनी जल्दी पॉलिसी मेक करते हैं, कितनी जल्दी पॉलिसी बदल देते हैं अपनी, उनका दुष्परिणाम उनसे कोई मतलब नहीं। आपके बच्चे गंदा पानी पी रहे हैं, अच्छा पानी पी रहे हैं, आपके बच्चे गलत तरह से सड़क पे निकल रहे हैं, आपके बच्चे रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, आपके बच्चे क्या करते हैं उनसे कोई मतलब नहीं, उनको बस थोड़े से लाभ के लिए अपनी पॉलिसी बदल देना है। तो भाइयों, केवल मेरा इस लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने का केवल एक उद्देश्य यह था कि कम से कम हमने जिस बात को आपके सामने रखा है, हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट हैं जो मेसर्स क्राउन ने जल निगम को दिए थे, जल निगम की कुछ पॉलिसियां हैं जिनको अगेंस्ट जल निगम के कुछ अधिकारी जा रहे हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को आप एग्जामिन करें, उसका परीक्षण करें, उसके बाद आप इंडिविजुअली लेवल पे इस लड़ाई को लड़ें, क्योंकि ये लड़ाई केवल मेरी इकलौती लड़ाई नहीं है, हम चाहते हैं ये लड़ाई हम सब लड़ें, क्योंकि आपने देखा होगा महाराष्ट्र दिल्ली में आज प्रदूषण और पानी की क्या समस्या है, जो आने वाले समय में हमारे लिए भी होने वाली है। लखनऊ में भी कई शहरों में अभी तक आप जाइए तो पानी अगर एक ग्लास में भर के रखेंगे उस पर देखेंगे एक लेयर बन जाती है। अगर आपके पास कोई गरीब है, पैसा नहीं है घर में, हर दूसरे महीने RO सर्विस कराने